Sisti, how are you? Yeah, hi, I'm good. Thanks for calling me. And you guys are so beautiful. And definitely we'll see this song and it will rock, definitely. And yeah, thanks for compliment and all. And I'm very small girl, nothing. But yes, thanks. So nice of you. You presenting me as a chief guest, I'm so happy. यू आर वेलकम. वेल, मैं इसी के साथ में बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं, स्मितिका जी, जो कि साउथ की फिल्में कर चुके हैं काफी सारी. मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें भी एक बार मंच पर आए. स्मितिका जी अभी हैं और इनका एक एल्बम भी रह चुका है जो कि अपने वक्त का इवन आज तक भी बहुत सक्सेस है. बहुत ही नाम सभी को ध्यान है, 18 करोड़ का ठुमका. तो 18 करोड़ का ठुमका गर्ल, क्या कहना चाहेंगे आप खुद तुतु के बारे में? अपने वक्त का अपने वक्त का और आज भी अपनी जो छवि है वो बनाए हुए हैं. यानी कि जब वो एल्बम बना था उस वक्त भी बहुत सक्सेस था, इवन आज भी हम लोग उसको सुनते आ रहे हैं. तो मैं चाहूंगा आप भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं हमारे जो लीड एक्ट्रेस ने हमारे लीड एक्टर ने जो काम किया इस एल्बम में, इस एल्बम के बारे में. सबसे पहले मैं सबको बोलना चाहूंगी वेरी वेरी गुड इवनिंग और थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया इतने प्यारे से चीज के लिए. और बहुत अच्छा लगता है कि हम सब आर्टिस्ट हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं. बिहाइंड द कैमरा क्या होता है वो एग्जैक्टली हम जानते हैं. लोग यहाँ पे डिसाइड यू करते हैं कि यार चीज अच्छी है, नहीं यार ये हीरो का एक्सप्रेशन ऐसा था, नहीं यार वो हीरो ने ना थोड़े से कम ग्लैमर डाले, ज्यादा डालता तो बहुत मजा आता, यू नो. हाँ, तो एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा. बट मैं हर किसी को एक सजेशन देना चाहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और जितने भी हमारे 70s, 80s, जितने भी 100 के लोग टीम होते हैं, हम सब बहुत मेहनत करते हैं आप लोग तक उसको पहुँचाने के लिए. और एक्सप्रेशंस लेके डांसिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो चाहे वो बड़ा आर्टिस्ट हो, छोटा हो या मीडियम है, मेहनत सबकी इक्वल होती है. उसमें कोई टैग नहीं होता है कि अगर सुपरस्टार है तो ये उसने मेहनत की होगी और अगर छोटा स्टार है तो उसने एक्सप्रेशन कम दिया होगा. और अगर प्रोड्यूसर ने ज्यादा पैसा दिया है तो एक्सप्रेशन अच्छा होगा, कम दिया है तो एक्सप्रेशन नहीं देना होगा. एनीवेज मैं पूनम जी को और शिवम जी को दिल से बोलना चाहूंगी कि विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट. आने वाले फ्यूचर में आप इससे भी बड़ा सा बड़ा रॉक वाले एल्बम करें और हम एज अ चीफ जिसका भी आने वाला है एक बहुत ही बढ़िया सा एल्बम. वेल, आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों बाद में एक और बहुत ही बढ़िया वाला एल्बम आने वाला है जिसमें आप देखेंगे अक्षा सिद्दीकी को, जो की हमारे बीच में है. आप भी कुछ अपनी गुड विशेस इस एल्बम को देना चाहेंगे? Well, thank you so much. इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा, जिस तरह से कोई भी फिल्म होती है, कोई भी इवेंट होता है, उसके पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके वजह से पूरा वो फिल्म बनती है या पूरा एल्बम बनता है, पूरा वो इवेंट बनता है, जो होते हैं हमारे स्टेज के बैक के या कैमरा के पीछे के हमारे हीरो. तो मैं सबसे पहले हमारे रियल हीरो को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर लाला भाई सूरत वाला जी को. प्लीज, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों की जोरदार ताली के बीच उनका स्वागत हो जाए, जो कि इस एल्बम के प्रोड्यूसर हैं और इस गाने का जो गीत भी लिखा है इन्होंने अपने शब्दों के साथ में इस गीत को बहुत ही अच्छे से दिखाया, हमारे सामने पेश किया. वेल, मैं चाहूंगा आप लोगों की ताली एक बार और हो जाए. वेलकम वेलकम, आइए सर, इधर आइए, इधर आइए. तो मिस्टर लाला जी, काफी मेहनत की होगी आपने इस एल्बम के लिए और शिवम ने इस एल्बम में काम भी किया है, तो कुछ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे किस तरह से, और ये जो एल्बम है आपने किस लेवल पे जाके किस तरह से तैयार किया और आपने जो आपकी जो इमोशन है वो किस तरह से जॉइन है इस एल्बम के साथ? ये सब कुछ तो शिवम ने किया है, मेरा तो सिर्फ नाम ही है. सब काम उन्होंने किया है, म्यूजिक दिया है, वो लिरिक्स लिखे है, सब कुछ शिवम ने किया है. मैं तो आइडिया ही देता था, खाली मेरा आइडिया है, मेरा लड़का है तो इसके हिसाब से आइडिया देते थे, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ शिवम ने किया है. वेल, असली हीरो जो भी होते हैं उनकी हमेशा आदत यही होती है कि वो अपने सारी मेहनत, अपनी सारी जितनी भी कलाकारियां हैं वो अपने टीम के ऊपर छोड़ दिया करते हैं और आज वही एक पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं. वेल, मैं चाहूंगा हमारी सबकी शुभकामनाएं इस एल्बम के साथ जुड़ी रहे. शिवम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल झूठ मत बोलिए. एक्चुअली सबसे पहले तो बात है गाने की, जो मेन टाइटल लाइन है
सिग्नल पे गाड़ी रुकती नहीं, तू मेरे सामने झुकती नहीं। एक्चुअली यहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था ये गाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो लाइन ही मेरे डैडी ने मुझे दी थी और बोला था यार शिवम ये देखो ये लाइन सुनो, और धैन आई कंपोज द सॉन्ग। एंड सच बताऊँ तो ये अगर ये लाइन नहीं मिलती तो मैं नहीं बना पाता ये सॉन्ग। एक्चुअली यही लाइन थी, तो झूठ मत बोलिए आप प्लीज। वेल थैंक यू सब समझ गए। सो मैं इसी के साथ में हमारी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आपसे, जिसके हमारे कास्ट रहे हैं शिवम सूरतवाला एंड पूनम पांडे, सिंगर शिवम सूरतवाला एंड अमित मिश्रा, रैप भी गाया है शिवम सूरतवाला ने, म्यूजिक भी दिया है शिवम सूरतवाला एंड लिरिक्स लाला भाई सूरतवाला एंड सिंगर ज्ञान जी को। प्लीज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं एक बार स्टेज पर आए ज्ञान जी। ऑलराइट, तो फाइनली अब हम लॉन्च करने वाले हैं म्यूजिक वीडियो के बुक को। ज्ञान जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार स्टेज पर आए। वेल ज्ञान जी भी आने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा एक मिनट के लिए उनका ही वेट किया जाए प्लीज। वेल ज्ञान जी ही हैं जो इस इवेंट को पूरा अपने पूरी अच्छा वेल मैं चाहूंगा सभी लोग थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हो जाए ताकि आराम से भाई आराम से। शिवम ने काफी मेहनत की इसके लिए। ये अच्छा रहा। हाँ बस अफाई दोनों। ऑलराइट थैंक यू सो मच शिवम। तेरी मैं औकात बताऊं, दुनिया में मेरे जैसा नहीं कोई हीरो, बाकी सब है मेरे सामने जीरो। एसएस मेरा नाम है, कोई नहीं टिका मेरे सामने, अभी तक नहीं जीता। वैसे तो लड़कियां देख रखी, तेरे जैसी मैंने बड़ी फेंक रखी। क्या बात है, थैंक यू सो मच शिवम। क्या बात है भैया, ये तो एकदम रॉक कर देने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि इस पार्टी को और थोड़ा रॉकिंग बनाने के लिए मैं मोहित बाघेल को भी इनवाइट करना चाहता हूं, जिसके बारे में कुछ भी इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत ही कम होगा। वेल आप सभी लोगों ने बखूबी जानते होंगे, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में मोहित का स्वागत हो जाए स्टेज पर। वेल इन्हें आप काफी फिल्म्स में देख चुके होंगे। युवा इन्होंने फिल्म की है, उसके अलावा इन्होंने रेडी फिल्म की है, और इसके अलावा आप अभी इनको देख सकते हैं आज भी और कल भी बिग बॉस में, जो कि सलमान खान के साथ में होस्ट करते नजर आएंगे बिग बॉस में। चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए आप सभी लोगों की। वेल मोहित भाई क्या बताना चाहेंगे आप और क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे और कितनी दुआएं देना चाहेंगे इन दोनों? पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा बता दिया करो बुलाने से पहले। नहीं एक्चुअली कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमारे जो स्टार आते हैं कई बार उन्हें बता दिया जाता है, तो फिर वो कई बार हमारा जो इवेंट है उसमें थोड़ा सा बच जाते हैं कि शायद उन्हें बोलना ना पड़े, तो कई बार छिप के बुलाना पड़ता है बड़े स्टार्स को। सबसे पहले सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार। वसीम भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार आप, और इनका गाना मैंने देखा शिवम पूनम बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा गाया है शिवम तुमने, और देख रहे हो उनका लड़का बिगड़ रहा है।
ऐसे काम करते रहते हैं, जब यूथ जब काम करता है ना, बढ़ता है आगे, तो दूसरे यूथ को हमेशा खुशी होती है। हमने एक फिल्म बनाई थी युवा, एक युवा बनी थी मणि रत्न साहब की, एक हमने अपनी बनाई थी जिसमें असली में युवा ही थे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।